देख लेते हैं 0-100 पावर मोड पे गाड़ी कैसे भागती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं टोयोटा वेस्टर्न मोटर्स पर जो कि कराची में वाके है, और आज हम बात करेंगे सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी टोयोटा करोला क्रॉस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की पहली लोकल असेंबल्ड हाइब्रिड टोयोटा करोला क्रॉस की, जो कि पाकिस्तान में मुतारिफ करवा दी गई है। दो वेरियंट को इनिशियली मुतारिफ करवाया गया है, एक मिड वेरियंट जिसकी कीमत 94,12,000 रुपए है, और ये 1.5 लाख रुपए इसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स है। तो विदहोल्डिंग टैक्स के साथ कराची रीजन के अंदर ये 95,62,000 रुपए की है, 95,62,000 की पड़ती है, और 4.5 लाख रुपए फर्क के साथ, जिसमें 16 चीजें इजाफी दी गई हैं। हाई वेरिएंट है, उसकी कीमत है 98,62,000। इसके कराची बेस इनवाइस है, ये कराची की इनवाइस है, और 1.5 लाख रुपए विदहोल्डिंग टैक्स के साथ 1,12,000 रुपए बनती है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है 16 चीजों का, मैं कोशिश करूंगा इस पर भी अलग से एक वीडियो बना दूं। इसमें 1.8 लीटर हाइब्रिड इंजन और साथ ही करोला का सस्पेंशन डाला गया है। इस क्रॉस को करोला क्रॉस का नाम दिया गया है क्योंकि ये करोला से ज्यादा चौड़ी और हाइट में ज्यादा ऊंची पर लेंथ में करोला से छोटी है, और साथ ही इसका व्हील बेस भी करोला से 60 mm कम है। इसी वजह से जो स्मूथ ड्राइव आपको करोला देती है, सेम वो फील अब आपको सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी में मिलेगी। ये गाड़ी TNGA प्लेटफॉर्म पर बनी है, यानी टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बनी है। इस तरह के सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर टोयोटा अपनी गाड़ियां बनाता रहता है। इस सेगमेंट की सबसे मशहूर वेरिएंट RAV4 टोयोटा CHR जो कि ग्लोबली बहुत ज्यादा मकबूल है, पर खास बात यह है कि ये करोला क्रॉस साइज में CHR से बड़ी और RAV4 से थोड़ी सी छोटी है। जुलाई 2020 से इसकी प्रोडक्शन थाईलैंड, ताइवान और ब्राजील में हो रही है, और इसी वजह से थोड़ी थोड़ी गाड़ियां चंद ही ममालिक में मुतारिफ करवाई जा रही हैं। मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई है, डिजाइन हो या ड्राइव कोरियन, चाइनीज और मलेशियन ब्रांड से बहुत अलग है। और अब 2024 के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी ये लोकल असेंबल गाड़ियां जो है टोयोटा के जितने भी सार्फिन है उनको टोयोटा के ब्रांड के अंदर, टोयोटा क्रॉस के अंदर आपको हाइब्रिड जो है वो अब देखने को मिलेगी। तो ये खुशाइन बात है। इस गाड़ी की डायमेंशन की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 4460 mm की है, चौड़ाई 1825 mm की है, और ऊंचाई यानी हाइट 1620 mm की है। इसके डिजाइनर की बात करें तो ये RAV4 से काफी सिमिलर है क्योंकि इन दोनों गाड़ियों का डिजाइनर एक ही है, जो कि मिस्टर टैटसोया सोनोदा और चीफ इंजीनियर युशी काजू साइकी ने डिजाइन किया है। फ्रंट देखें तो सामने काफी खूबसूरत और बड़ी डबल ट्रैपीजॉइडल हनीकॉम ग्रिल दी गई है, जिसके सेंटर में क्रोम से टोयोटा का एम्बलम है, और जिसके बैकग्राउंड में आपको ब्लू कलर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा जो कि टोयोटा अपनी हाइब्रिड में देता है। बाई बीम LED हेडलैम्प्स इसके अंदर भी आपको ब्लू टच देखने को मिलेगा, और साथ ही LED लाइट कर्टन डे टाइम रनिंग लैंप्स भी दिए गए हैं। दोनों बम्पर्स के अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स और साथ ही LED फोग लैंप्स का भी इस्तेमाल इसमें दिया गया है। दो वाइपर आपको विंड स्क्रीन पर नजर आएंगे और साथ ही रेन सेंसर्स भी इसमें मौजूद है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो काफी मस्कुलर और एरोडायनामिक शेप, जिसमें आपको डबल सी करेक्टर लाइन और एसयूवी की बॉडी किट भी वाजे नजर आती है, जिसमें दोनों फेंडर में आपको फेंडर फ्लेयर और दोनों डोर्स के नीचे आपको साइड क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो दिखने में काफी खूबसूरत भी लग रहा है। जर्नल का है 215/60R17 अलॉय रिम्स के साथ दिए गए हैं, जिसमें फ्रंट ब्रेक आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिलता है और रियर में सॉलिड डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। फ्रंट सस्पेंशन इसमें मैकफर्सन स्टर्ट है और रियर में टॉर्सन बीम दिया गया है। 161 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। बहुत खूबसूरती से क्रोम का इस्तेमाल तमाम डोर्स मोल्डिंग में किया गया है। रूफ पर मौजूद है रूफ रेल, सनरूफ और शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। फ्रंट की तरह बैक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। टॉप पर स्पॉइलर के नीचे हाई माउंट स्टॉप लैंप और रियर विंडशील्ड पर आपको डिफोगर के साथ एक वाइपर भी दिया गया है। नीचे टोयोटा का एम्बलम और इसके नीचे क्रोम से करोला क्रॉस मेंशन है। LED कॉम्बिनेशन टेल लैंप्स, जिसमें करोला क्रॉस की बैजिंग वाजे नजर आ रही है।
टोयोटा फॉर्च्यूनर की टेल लैम्प से काफ़ी मिलती जुलती है। रियर बम्पर में भी आपको पार्किंग सेंसर्स, साइड में रिफ्लेक्टर के साथ बम्पर लिप्स भी मौजूद है। सेफ्टी फीचर की अगर हम बात करें तो दो साल पहले जो करोला क्रॉस इंपोर्ट की जा रही थी, यानी जो सीवी यूनिट इंडस मोटर ने लॉन्च किए थे, इसमें एक तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की थर्ड जनरेशन इस्तेमाल हो रही थी और इसमें आपको जो है अब जो जनरेशन आ रही है वो आपको फोर्थ जनरेशन देखने को मिलेगी। और साथ ही इसमें दो सेफ्टी फीचर्स इजाफी दिए हैं जो कि पिछली सीवीयू जो यूनिट आ रहे थे करोला क्रॉस के उसमें मौजूद नहीं थे। उसमें एक जो है रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जो है ये आपको देखने को मिलेगा जो कि पुरानी करोला क्रॉस में मौजूद नहीं था। और साथ ही इसके अंदर अब मिरर के अंदर, साइड मिरर जो होता है, इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो साथ दे दिया गया है। अब देख लेते हैं इस गाड़ी की सबसे अहम चीज, वो है इंजन रूम। अगर आप गौर से देखें तो इंजन सामने से बिल्कुल एक लाइन में है, फ्रंट एक्सल के साथ रखा गया है जो कि डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ द फ्रंट, जो कि गाड़ी के व्हील बेस को बेहतर बनाता है जो कि हर गाड़ी के लिए सबसे अहम होती है। फ्रंट व्हील ड्राइव ये गाड़ी है, 1385 केजी का इसका कार वेट है और यही वो खास बात है कि इस क्रॉसओवर एसयूवी जो कि अब तक किसी और क्रॉसओवर एसयूवी में हमें नहीं देखने को मिलती, यानी 36 लीटर के फ्यूल टैंक से आपको 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज वो भी क्रॉसओवर एसयूवी सेगमेंट में देखने को मिल रही है। और हाँ, इस इंजन की एक और खास चीज आपने शायद नोटिस नहीं की, वो है इसका एयर इनटेक बॉक्स। नजर आया आपको? नहीं नजर आया, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से होता हुआ फ्रंट ग्रिल के साथ दिया गया है जो कि मेरी नजर में फर्स्ट टाइम किसी गाड़ी में इस तरह एयर इनटेक दिया गया है। जाहिर है इसके पीछे काफी साइंस लड़ाई गई होगी और इंजन की प्लेसमेंट आपको काफी नीचे की तरफ भी देखने को मिल रही है। 1798 सीसी इंजन इसके अंदर मौजूद है जो कि 72 किलोवाट और 142 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और साथ ही इसमें इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो कि 53 किलोवाट और 163 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपको इसमें 7 एयरबैग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत एडवांस किया गया है, साथ ही जो इसमें बेसिक चीजें आती हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, EBD है, ब्रेक असिस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया गया है, इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल आपको देखने को मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है, हिल असिस्ट भी है और साथ ही इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि मिरर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्लियरेंस सोनार इसके अंदर दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको एडवांस चीज़ें इसमें, इमोबिलाइजर जैसी चीज़ें भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। दो रिमोट इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। स्मार्ट एंट्री की मदद से आप गाड़ी में दाखिल हो जाते हैं। आउटर डोर मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल्स हैं। दो टून कलर के अंदर इंटीरियर को डिजाइन किया गया है जिसमें ब्लैक का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा और साथ ही टेरा रोजा, ये जो मैरून कलर का शेड है, ये आपको लेदर सीट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा और साथ ही डोर ट्रिम्स और डैशबोर्ड के तमाम पैनल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही जबरदस्त और दिलकश लग रहा है। ड्राइवर डोर्स में आपको पावर विंडो, डोर लॉक, ऑटो रिट्रैक्टेबल के बटन और आउटर मिरर के एडजस्टमेंट के लिए इसमें जॉयस्टिक दी गई है। तमाम सीट्स में लेदर का इस्तेमाल किया गया है। ड्राइवर सीट 6-वे पावर एडजस्टेबल सपोर्ट के साथ है जबकि पैसेंजर सीट्स आपको 4-वे मैनुअली करोला में मिलती है, वैसी आपको इसमें दिखने को मिलेगी। डैशबोर्ड टोटली प्लास्टिक मेड है और इसके अंदर जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, प्लास्टिक की फील आएगी, जबकि आप जो मैरून पोर्शन वाला है उसमें सॉफ्ट टच पैडेड का टच दिया गया है। और ड्राइवर साइड पर नीचे डैशबोर्ड में मौजूद है हेडलाइट लेवलर का ऑप्शन और साथ ही ट्रंक ओपनर बटन, स्टीयरिंग के लेफ्ट में पुश स्टार्ट का बटन मौजूद है, 3-स्पोक टिल एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग इसमें मौजूद है जिसमें एक तरफ आपको क्रूज कंट्रोल, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के स्विचेस और दूसरी तरफ ऑडियो फोन वॉइस के स्विचेस दिए गए हैं। 7-इंच TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जिसमें डिजिटल और एनालॉग मीटर क्लस्टर मौजूद है, 9-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC यानी ड्राइवर और पैसेंजर अपनी अपनी मर्जी से टेम्परेचर अपने हिसाब से रख सकते हैं, सनरूफ दिया गया है, वेनिटी मिरर विद लिड दोनों साइड पर दिए गए हैं। पिछली वाली सीट्स में आपको आर्मरेस्ट और इसमें दो ग्लास होल्डर और ये AC के विंड्स मौजूद हैं और नीचे दो USB के पोर्ट्स भी दिए गए हैं। पीछे वाली सीट आप 60-40 रेशियो के साथ फोल्डिंग और रिक्लाइन कर सकते हैं। लगेज कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो तमाम सीट अपनी जगह पर मौजूद हो तो 440 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिलता है और मजीद अगर आप इस सीट को स्प्लिट करते हैं 60-40 के रेशियो के साथ तो ये अप टू 480 लीटर का बूट स्पेस आपको दे सकती है। और पीछे वाली सीट्स के अंदर आपको दो ISO फिक्स एंकर भी साथ दिए गए हैं और सीट बेल्ट की अगर हम बात करें तो 3-point ELR प्री टेंशनर के साथ फोर्स लिमिटर भी इसके अंदर दिया गया है। पुश स्टार्ट के साथ ये गाड़ी है और आप इस तरह इसको स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी को, ब्रेक पे आपने पैर रखा है, ये चीज़
गाड़ी स्मूथली स्टार्ट होती है, हाइब्रिड गाड़ी है तो इंजन का आपको पता नहीं चलेगा। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर 7 एयर बैग्स हैं और यहाँ पर आपको एक ड्राइविंग साइड में मिलेगा, आपको पैसेंजर साइड पे दिया हुआ है, ये नी के अंदर दिया हुआ है, ये नी में। फिर प्लर्स के अंदर आपको मिल जाता है, ये साइड में प्लर है, प्लर के ऊपर जो है वो एयर बैग दिए हुए हैं, कर्टन एयर बैग आपको मिल जाएंगे पूरी गाड़ी के अंदर। सीट्स के अंदर आपको अलग से ये सीट का, सीट के अंदर भी आपको एयर बैग्स मिल जाते हैं। गाड़ी की विजिबिलिटी की बात करें तो गाड़ी फ्रंट से आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर विजन है, और हाइट पर आप अपने हिसाब से क्योंकि हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शीशा जो है इस तरफ को मोन होता है, तो इन्होंने यहाँ पर लगाया है, और ये क्वार्टर ग्लास जो है पहले पुरानी गाड़ियों में आता था तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पर एक क्वार्टर ग्लास दे दिया है। और आपका जो मिरर है साइड मिरर वो थोड़ा बाहर की तरफ कर दिया, तो आपकी जो विजिबिलिटी है तमाम आने जाने वाली गाड़ियों की वो आराम से इसमें आप देख सकते हैं। 3 मोड से आपकी गाड़ी चलेगी इसके अंदर, ईवी मोड है और साथ साथ ड्राइव मोड जो है आपका, इको मोड है, नॉर्मल मोड है और ये पावर मोड है, तो 3 तरीके से आप गाड़ी को चला सकते हैं। अच्छा, ऑटो डिमिंग यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है, ये आप आगे की रूफ लाइट 2 दी गई हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, और ये आप आगे भी कर सकते हैं, इसको पीछे भी कर सकते हैं। इसके अंदर 12V का कनेक्टर साथ दिया गया है, स्टोरेज स्पेस काफ़ी अच्छा है पूरी गाड़ी के अंदर, 2 ग्लास होल्डर आप यहाँ रख सकते हैं, हर डोर के साथ आपको जो है बॉटल होल्डर जो है वो दिए गए हैं। हो सकता है आने वाले वक्तों में टोयोटा इसका पेट्रोल वेरिएंट भी पाकिस्तान में मुतारिफ करवाए। अगर टोयोटा इसका पेट्रोल वेरिएंट मुतारिफ करवाता है तो मेरे हिसाब से 25 से 30 लाख रुपए कम होने चाहिए। तो इस हिसाब से जहाँ हाइब्रिड क्रॉस 1 करोड़ रुपये की है तो पेट्रोल 70 से 75 के दरमियान होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, प्राइस कितनी होनी चाहिए या पेट्रोल वेरिएंट ही नहीं देना चाहिए, तो कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। 18 दिसंबर 2023 यानी पीर वाले दिन से इसकी बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें जनवरी और फरवरी की बुकिंग आप फुल पेमेंट देकर करवा सकते हैं, जबकि मार्च के लिए 30 लाख रुपये पार्शल अमाउंट देकर आप गाड़ी को बुक करवा सकते हैं। फुल पीछे ना ये, और हेडरूम सही है, हेडरूम अच्छा है यार, मतलब तेरी 6 फीट तक की हाइट है माशाल्लाह, फिर भी सही है। तो मेरी वीडियो निकालना, फेमस हो जाऊंगा।